छोड़ दो या फिर शराफत से रहो। तो अब जो क्रिमिनल हैं यूपी के, वो पुलिस से डर रहे हैं या डर कर भाग चुके हैं या अभी यूपी में हैं? नहीं, ये हमारे शासन की नीति है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने तख्तियां लगा के भी सरेंडर किया, और ये पुलिस का कोई भय नहीं है, ये कानून का भय है। और आप हमारे यहाँ एक नया भी आया कि साहब अगर कोई तोड़फोड़ करेगा तो वसूली आप ही से की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तोड़फोड़ होती है तो हमेशा सार्वजनिक संपत्तियों को लोग क्षति पहुंचाते हैं, कोई अपना घर नहीं जलाता। बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है हमारे अपने फोर्स का, जब वो विक्टिम से मिले तो उसमें भी सुधार आने की भी बहुत आवश्यकता है। सर, प्रशांत कुमार जी एक आईपीएस नहीं बल्कि एक आम इंसान के तौर पे ये सवाल है कि आपकी एनकाउंटर के बारे में क्या राय है? इनकाउंटर कोई स्टेट की पॉलिसी नहीं है, ये मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। लेकिन जब ऐसे भी दुर्दांत अपराधी होते हैं जिससे अगर आमना सामना हो, तो वो पुलिस पे भी फायरिंग करते हैं और डैमेज दोनों तरफ से होता है। लोग मरे भी हैं, पुलिस वाले शहीद भी हुए हैं, और पुलिस वाले घायल भी होते हैं, उनको परमानेंट डिसेबिलिटी भी होती है। तो अगर हॉट चेज के समय सेल्फ डिफेंस में कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो जितने भी एनकाउंटर होते हैं उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक सेट गाइडलाइंस हैं, उसके तहत सभी कार्रवाई होती है जो कि पूरी पारदर्शी तरीके से की जाती है। इसके अतिरिक्त एनएचआरसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हमारे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो चीज़ें जब कोई एनकाउंटर होता है तो जो भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता है उसको एक अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है, जो कि आवश्यक है। ऐसे भी केस आए जब रात्रि दबिश में हमारे 8-8 जवान शहीद हुए, और उसमें जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उस पर भी लोगों ने प्रश्न उठाए थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जुडिशियल कमीशन भी बना और तमाम विवेचनाएं भी हुई। जो विवेचना होती है उसका ट्रायल भी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा होता है, और अगर पुलिस अभिरक्षा में कोई घटना होती है तो उसकी जांच भी जुडिशियल अधिकारी ही करते हैं। तो जहां गलती, अगर कोई आदमी अपने शौक के लिए या पर्सनल रंजिश में इस तरह की घटनाएं करता है तो वो अक्षम्य है, लेकिन जब ड्यूटी के दौरान अगर कोई बात होती है तो उसका एक सेट प्रोसीजर है। और एक इत्तेफाक ये भी होता है कि जब इनकाउंटर होता है कोई ऐसे बहुत चर्चित मामले में, जैसे अगर मैं विकास दुबे का ही नाम लूं, तो उससे पहले ही ये बातें होने लगती हैं कि ये इनकाउंटर होने वाला, तो ऐसा कैसे हो जाता है? नहीं देखिए, ये चीज़ें तो कंजेक्चर्स हैं, और जब हमारा जवान शहीद होता है तो हमारे पुलिस बल का भी मनोबल बहुत गिरता है, और ऐसे दुर्दांत अपराधी जिन्होंने थाने के अंदर मर्डर किया हो, ऐसे भी लोग हैं जो कि एक इनकाउंटर दिल्ली के बदमाश का हुआ था जिसने 30 हजारी कोर्ट में एक सिपाही को 22 गोलियां मारी थी। जी, तो क्या पुलिस तभी रिएक्ट करेगी जब 22 गोली लग जाए, तब रिएक्ट करेंगे? तो इस तरह की चीजें अगर हमको एक होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। आपने एक लंबा अरसा फील्ड में गुजारा, अलग अलग जगहों पे आप एसएसपी भी रहे और कई साल बीते। अब इस दौर में एक चेंज आया है टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से पुलिसिंग है, सीसीटीवी कैमरा हो या मोबाइल सर्विलांस हो, डीएनए के जरिए रेप के केसेस में आप कन्विक्शन ज्यादा करा सकते हैं, तो ये नई चीजें पुलिस के लिए कितनी कारगर हैं और कितना चुनौती भी है ये टेक्नोलॉजी दोनों तरफ से, क्योंकि एक तरफ क्राइम क्रिमिनल भी इसका यूज कर रहे हैं। हाँ, ये क्राइम डिटेक्शन के जो तरीके हैं वो उसमें बहुत सुधार हुआ है, और ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि जिसके तहत इसको कोर्ट में हम लोग साबित कर पाते हैं कि अमुक